बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जैसे ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसमें जैसे कि इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक्स मॉड इज इक्वल टू थ्री है, एक्स मॉड इज इक्वल टू थ्री जैसे है, तो फिर हम उसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, या माड वाली साइड पे, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री, या एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्स माड इज इक्वल टू थ्री है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। इसी तरीके से ये जो माड है, इसके अंदर ये जो रकम है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ये होगा इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स। तो अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स ये प्लस सिक्स के साथ, और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स के साथ। इसमें इस सिक्स को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। मसलन यहाँ पे दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स आए, ऐड करें तो माइनस फाइव आए, तो ये नंबर माइनस सिक्स और वन होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले दो टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस सिक्स, इन दो टर्म में से वन कॉमन आ जाएगा x माइनस सिक्स। अब इन दोनों से x माइनस सिक्स कॉमन आ जाएगा, x माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। जबकि यहाँ पर दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आए, ऐड करें तो माइनस फाइव आए, ये माइनस थ्री और माइनस टू होंगे। तो माइनस फाइव एक्स को फिर लिखेंगे हम माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स। तो पहले दो टर्म में से एक्स कॉमन निकाल लिया एक्स माइनस थ्री, आखिरी दो टर्म में से माइनस टू कॉमन निकाल लिया एक्स माइनस थ्री। तो दोनों से फिर एक्स माइनस थ्री कॉमन निकाला तो ये एक्स माइनस टू। तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को। इसके लिए जो हमें इक्वेशन दी गई थी, ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स मॉड इज इक्वल टू सिक्स, इसमें ये वैल्यूज एक एक करके पुट करते हैं। पहले हम सिक्स पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो सिक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू सिक्स, ये थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स मॉड सिक्स होगा। इधर ये सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, ये जो है ना ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन एक्स की जगह पे, माइनस वन स्क्वायर वन आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव आ जाएगा, सिक्स मॉड सिक्स आ जाएगा, ये इसके बराबर, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये होगा कि माइनस वन जो है ये भी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आप देख लें कि इसमें एक्स की जगह पे थ्री पुट करेंगे, थ्री स्क्वायर नाइन आ जाएगा, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, नाइन माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स, माइनस सिक्स मॉड सिक्स हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है। तो नेक्स्ट आप देख लें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू सिक्स, इसमें आप पुट करेंगे टू, तो एक्स की जगह पे टू पुट किया, फोर माइनस टेन, ये माइनस सिक्स मॉड सिक्स हो जाएगा, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने भी ये वैल्यूज एक्स की हमने निकाली थी, सिक्स माइनस वन थ्री टू, ये तमाम के तमाम जो है वो इसके सोल्यूशन होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल टू है कि सॉल्व एंड चेक एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन मॉड। तो इसको जो है वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ मॉड है, इसलिए इस साइड पे भी प्लस माइनस आएगा, इस साइड पे भी प्लस माइनस आएगा। अब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो फिर ये जो है ये हमारे पास यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हैं फिर ये आ जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस कैंसिल होकर फिर भी यही आ जाएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर ये आएगा। मिसाल के तौर पर इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, तो हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये दो ही सूरतें होंगी, एक ये इक्वेशन बनेगी, एक ये इक्वेशन बनेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स और माइनस वन को इस साइड पर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो इन दो में से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये x इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू टू, जबकि यहाँ पे ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू एक्स प्लस वन। इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो माइनस वन, और ये माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक ही जगह पे वन है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, ये बी जो है वो टू है, सी माइनस टू है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अंडर रूट। बी यहाँ पे टू है तो यहाँ भी टू लिखेंगे, यहाँ पे भी ये टू स्क्वेयर हो जाएगा। माइनस फोर इंटू ए वन है, सी माइनस टू है, ओवर बटे में टू इंटू ए की जगह पे वन। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस टू, ये ट्वेल्व हो जाएगा। अब 12 को हम कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 अंडर रूट, और फिर 2 कामन निकाल के बटे के साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये माइनस वन प्लस माइनस 3 अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट इन सॉल्यूशंस को हम चेक करते हैं, 0, 2, माइनस वन प्लस 3 अंडर रूट और माइनस वन माइनस 3 अंडर रूट को। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, 0 स्क्वेयर माइनस वन, ये माइनस वन मॉड आ जाएगा। माइनस वन मॉड वन होता है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ये हमारे पास आ जाएगा। इस साइड पे ये 0 तो माइनस वन मॉड, ये भी वन, तो ये वन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे, इसमें टू है वैल्यू, तो एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे, टू स्क्वेयर माइनस वन, फोर माइनस वन, थ्री मार थ्री आ जाएगा। इधर टू इंटू टू फोर माइनस वन, थ्री थ्री मार जो है वो थ्री आ जाएगा। तो यहाँ भी दोनों साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब कि टू जो है वो इसका रूट है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट, ये हम पुट करेंगे एक्स की जगह पे, माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट इसका स्क्वेयर। तो इस साइड पे भी एक्स की जगह पे माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट, यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा। माइनस वन का स्क्वेयर वन हो जाएगा, थ्री अंडर रूट का स्क्वेयर थ्री हो जाएगा। आगे हमारे पास प्लस टू टू ए भी होता है ना, तो ए माइनस वन है, बी थ्री अंडर रूट है। टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री अंडर रूट, माइनस टू थ्री अंडर रूट हो जाएगा। माइनस वन इज इक्वल टू इस साइड पे ये माइनस टू प्लस टू इंटू थ्री अंडर रूट माइनस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा, वन माइनस वन कैंसिल होकर थ्री माइनस टू इंटू, यहाँ पे थ्री माइनस टू इंटू थ्री अंडर रूट मॉड इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू इंटू थ्री अंडर रूट मॉड। यहाँ से आप माइनस कामन निकाल लेंगे। आपको मालूम है कि ए का मॉड और माइनस ए का मॉड बराबर होते हैं, जैसे ये ए कह लें और ये माइनस ए हो जाएगा, इन दोनों के मॉड बराबर होंगे, इसलिए थ्री माइनस टू इंटू थ्री अंडर रूट इज इक्वल टू थ्री माइनस टू इंटू थ्री अंडर रूट मॉड हो जाएगा। अगर आप इसको जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है, लेकिन दोनों सूरतों में यही आएगी वैल्यू, इसलिए दोनों साइड इक्वल हैं। ऐसी सूरत में भी रूट इक्वल, ये जो है यहाँ पे ये जो रूट हैं यानी एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट, ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है माइनस वन माइनस इंटू थ्री अंडर रूट, माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट। तो ये इसमें पुट करेंगे एक्स की जगह पे माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट स्क्वेयर, माइनस वन इधर भी एक्स की जगह पे माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट। यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा, ए की जगह पे है माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वेयर वन आ जाएगा और थ्री अंडर रूट का स्क्वेयर थ्री आ जाएगा। आगे माइनस टू ए भी होगा, माइनस टू इंटू ए की जगह पे माइनस वन है, बी की जगह पे थ्री अंडर रूट है, तो माइनस इंटू टू इंटू माइनस वन इंटू थ्री अंडर रूट, ये टू इंटू थ्री अंडर रूट हो जाएगा। माइनस वन ये माइनस वन और वन कैंसिल, थ्री प्लस टू इंटू थ्री अंडर रूट, और इस साइड पे ये माइनस टू, ये टू को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू थ्री अंडर रूट, माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू इंटू थ्री अंडर रूट। माइनस कामन निकाल लें, यहाँ पे भी यही बात जो मैंने पहले कही थी कि ए मॉड और माइनस ए मॉड बराबर होते हैं, इसलिए ये मॉड और ये मॉड बराबर होंगे। तो ये क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का मॉड उसके बराबर ही होता है, थ्री प्लस टू इंटू थ्री अंडर रूट आ जाएगा।
ये भी इसी तरीके से ये दोनों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम वैल्यूज़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट और माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट, ये चारों एक्स की वैल्यू जो है ये इसके रूट्स होंगे। तो हम इसको इस यहाँ पर लिख लेंगे सोल्यूशन सेट में, ज़ीरो टू माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट, ये चारों जो है वो इसके सोल्यूशंस होंगे। आगे जी एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी इसी टाइप के हैं, जहाँ पे आपने ऐसे करना है, सेवन को आप उधर ले जाएं, फोर्टी सेवन माइनस सेवन फोर्टी आ जाएगा, फिर फोर के साथ डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन आ जाएगा। यहाँ से दो ही क्वेश्चन आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टेन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, तो इन इक्वेशंस को हल कर लीजिएगा। इसी तरीके से ये आपके पास सॉल्व एंड चेक द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मार्ट, इसमें आप ऐसे करेंगे कि ये मार्ट जब हटाएंगे यहाँ पे इस साइड पे प्लस माइनस आप कर लेंगे, इसको इसी तरह रहने देंगे, इधर क्योंकि मार्ट आ रहा है प्लस माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए दो इक्वेशन बन जाएंगे, उनको जो है ना आपने सॉल्व कर लेना है।